नमस्कार प्यारे छात्रों, आपने इस प्रकार से ग्लास में रखे पानी में डूबी हुई पेंसिल को इस प्रकार से तिरछा जरूर देखा होगा, या फिर आपने ग्लास में रखी हुई पानी में अगर कोई चम्मच डूबा हुआ है तो उसका इस प्रकार से तिरछा होना जरूर ही देखा होगा। अब सवाल ये है, अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है, तो इसी के कारण को आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। और ध्यान से समझिएगा कि इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि आज के क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। पहले हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा समझेंगे, फिर प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझेंगे, फिर हम लोग इस घटना का भी व्याख्या कर लेंगे कि क्यों हमें इस प्रकार से पेंसिल का छोटा और मुरा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। ठीक, पहले हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा हमारे सामने, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो परिभाषा क्या होगा, प्रकाश के एक माध्यम से, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या देखा हमने, प्रकाश का एक माध्यम से, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए ये पहला माध्यम है, ठीक, ये हमारा पहला माध्यम और ये है हमारा दूसरा माध्यम, ये है हमारा दूसरा माध्यम, और ये प्रकाश की किरण जो कि ए से ओ तक इस माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अगर ये सीधी रेखा आप जाती तो इसको इस प्रकार से सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा, अपना जो मूल रास्ता उससे भटक जाता है, यानी कि उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, और इसी परिवर्तन को और इसी घटना को तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा कैसे बोलोगे आप, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है और डिफिनेशन भी, उम्मीद है कि डिफिनेशन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और याद भी साथ में हो ही गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने के लिए। नेक्स्ट पेज, अब हमारे पास है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुख्यतः दो नियमों को अनुसर जाती है और यही नियम प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहलाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला नियम हमारे लिए प्रकाश के अपवर्तन का, पहला नियम ध्यान से सुनिएगा, पहला नियम को समझने से पहले कुछ किरणों का हम लोग नामकरण कर लेते हैं। आपको ये जो दिख रही होगी एओ किरण, एओ हमारा जो है ये क्या हो रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम से टकरा रही है, आ रही है, इसको हम लोग कह देते हैं आपतित किरण। एओ को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और उसी प्रकार से ओबी जो आपको दिख रहा है, ओबी, और ये ओबी क्या है हमारा, ओबी है अपवर्तित किरण, ओबी है हमारा अपवर्तित किरण, ठीक है। और उसके बाद बिंदु ओ जो आपको दिखाई दे रहा है, बिंदु ओ, पॉइंट ओ जो दिख रहा है ये है हमारा आपतन बिंदु, पॉइंट ओ है हमारा आपतन बिंदु। और उसी प्रकार से पॉइंट ओ पर जो एक लंब, ये जो लंब डाला गया है एन एन डैश करके, ये है हमारा अभिलंब। अभी हम लोग इन सभी चीजों की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण यानी कि ए ओ, अपवर्तित किरण यानी कि अपवर्तित किरण कौन सा हो जाएगा, ओ बी, ओ बी, ठीक है, तथा आपतन बिंदु यानी ओ पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब यानी एन एन डैश, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीन चीज पर फोकस करना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, सबके सब कहां होंगे, एक ही तल में होंगे। बड़ा ही सिंपल सा है, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कैसे बोलोगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी कहां होते हैं, एक ही तल में, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब सबके सब कहां है, एक ही तल में होते हैं। ये नियम भी आपको उम्मीदा याद हो गई होगी। अब इसका भी स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे प्रकाश के दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को समझने के लिए। नेक्स्ट पेज, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ थोड़ा सा इंपोर्टेंट, ये नियम थोड़ा सा भीभीआई माना जाता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम थोड़ा भीभीआई है। क्या है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, यानी कि प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए ये नियम अलग अलग होता है, इसलिए इतना जोड़ना शुरू में जरूरी है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण मतलब
आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी कि आई आपतन कोण आई की जया यानी साइन आपतन कोण की जया, और क्या लिखा है आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण आर और इसकी जया यानी कि साइन आर का अनुपात, अनुपात माने बट्टा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नितांक होता है, यानी कि साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू, म्यू नहीं सॉरी पहले नियतांक लिख दिया जाए, नियतांक होता है। यह है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। कैसे बोलोगे प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए कौन सा आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, ठीक है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए क्या बोलना पहले आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, कि दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं अपवर्तनांक भी कहते हैं, और इसे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये नियम बहुत ही, इसका फॉर्मूला आप लिखोगे म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, जहां म्यू एक नियतांक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये था हमारे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, और उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आपका कोई डाउट रह जाए या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं, आपका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।